अगर आप कहीं लकड़ी जलाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं तो आप इस हीट को फील कर पाते हैं, लेकिन यहां पर कंडक्शन तो नहीं हो रहा क्योंकि बीच में देखे एयर है और एयर बहुत ही बुरा कंडक्टर होता है। तो इस हीट को यहां से यहां पहुंचाने में कौन सा मोड काम कर रहा है? कंडक्शन तो नहीं कर रहा होगा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अगर आप सोचे तो वो भी यहां पर काम नहीं करता है क्योंकि देखे गर्म हवा यहां पर बन रहा, हवा यहां गर्म हो रहा और ये ऊपर चढ़ रहा है और यहां आसपास से हवाएं जो है इस खाली जगह को भरता है। तो ऑब्वियसली ये गर्म हवा आप तक नहीं पहुंच सकता है। तो फिर आप इस हीट को फील कैसे कर पाते हैं? न तो यहां कंडक्शन काम करता है न ही कन्वेक्शन काम करता है, बल्कि यहां पर काम करता है रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू आप इस हीट को फील कर पाते हैं। रेडिएशन, इसके लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने कंडक्शन में देखा था कि कंडक्शन कहां पर होता है, कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होता है, लेकिन रेडिएशन इस मोड में हीट को ट्रांसफर होने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए सूरज से धरती तक हीट पहुंच जाता है। सूरज से धरती तक अगर आप देखें तो बीच में क्या है? बीच में तो वैक्यूम है, बीच में किसी भी तरह का मीडियम तो है नहीं, ना सॉलिड है ना ही लिक्विड है ना ही गैसेस है, बिल्कुल वैक्यूम है। तो यहां से हीट, सूरज से हीट धरती तक जो पहुंचता है उसका मोड होता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। वही ऑसिलेशन एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है और हम कहते हैं हीट का प्रोपगेशन हो रहा है। इसका जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा होता है। सूरज से धरती तक लाइट जो है या फिर का हीट जो है इसे पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, लेकिन हीट को पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। इसका जो स्पीड होता है ये होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर एक सेकेंड में। इतना भयंकर स्पीड होता है। अब देखिए रेडिएशन सिर्फ आग से सूरज से ही नहीं निकलता है, बल्कि रेडिएशन हर एक बॉडी से निकलता है अगर वो एब्सोल्यूट जीरो में ना हो। अगर उसमें जीरो अमाउंट ऑफ हीट ना हो तो हर एक बॉडी से रेडिएशन निकलता है। जैसे कि एक एक बल्ब, फिलामेंट वाला बल्ब जो है, फिलामेंट वाला बल्ब, इससे भी रेडिएशन निकलता है। इसीलिए फिलामेंट वाला बल्ब के आसपास आप रखें, इसे कुछ देर चला के आप फिर इसे छुएं तो आपको गर्मी का एहसास होगा, तो इससे भी रेडिएशन निकलता है। इस तरह के रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। सो थर्मल रेडिएशन, और ये थर्मल रेडिएशन जब किसी बॉडी में पड़ता है, जैसे कि इस आग की बात कर ले, यहां से भी जो रेडिएशन हो रहा है इसे हम थर्मल रेडिएशन कहेंगे। सो थर्मल रेडिएशन जब एक बॉडी पे, किसी भी तरह के बॉडी पे जब ये इंसिडेंट करता है, ये थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है यहां पर, तो इसका कुछ पार्ट जो है ये रिफ्लेक्टेड हो जाता है और कुछ पार्ट इसका इस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट यहां से ट्रांसमिटेड हो जाता है। हमें पता है कि डार्क कलर का जो बॉडीज है वो थर्मल रेडिएशन को ज्यादा अब्सॉर्ब करता है और उसे रेडिएट भी करता है बहुत जल्दी, और लाइट कलर का बॉडीज जो है वो थर्मल रेडिएशन को अब्सॉर्ब बहुत कम करता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा लाइट कलर्ड कपड़ा होता है। गर्मी के दिनों में जो कपड़ा हम चूज करते हैं, जो पहनते हैं, ये बहुत ही लाइट कलर्ड होता है। जैसे कि वाइट कलर हम बहुत प्रेफर करते हैं गर्मी के दिनों में, लेकिन जाड़े में हम क्या करते हैं, हम लाइट कलर नहीं बल्कि डार्क कलर को प्रेफर करते हैं। सो जाड़े के दिनों में क्यों करते हैं हम डार्क कलर को प्रेफर? क्योंकि वो
थर्मल रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और वो बॉडी को गर्म रखता है। तो ये तो हम समर्स में हम लाइट कलर्ड जो क्लॉथ्स हैं उन्हें प्रेफर करते हैं, और विंटर में हम क्या करते हैं, विंटर में हम जो प्रेफर करते हैं वो बहुत ही डार्क कलर्ड होता है वो क्लोथ्स। सो क्यों, जैसे कि हमने बात किया कि ये जो डार्क कलर का बॉडी है इसका जो अब्सॉर्प्शन रेडिएशन अब्सॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा अब्सॉर्ब कर लेता है हीट को और ये फिर बॉडी को गर्म रखता है। लेकिन लाइट कलर जो है ज़्यादातर ये रिफ्लेक्ट कर देता है थर्मल रेडिएशन को, और ये जो है ये थर्मल रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए विंटर्स में हम डार्क कलर का कपड़ा प्रेफर करते हैं। सिल्वर कलर का जो मटेरियल होता है वो थर्मल रेडिएशन को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए इसे थर्मस में यूज किया जाता है। ये बहुत बहुत कम अब्सॉर्ब करता है थर्मल रेडिएशन को। सो थर्मस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये दो वॉल डबल वॉल, थर्मस में हम क्या रखते हैं, गरम चाय रखते हैं, सो जो भी रखते हैं हम यहाँ पर वो बहुत देर तक गरम रहता है। सो ये है थर्मस, ये इसका ढक्कन, ये बेसिकली डबल वॉल्ड होता है, दो वॉल रहता है इसमें, एक बाहर का लेयर और एक अंदर का लेयर रहता है। सो डबल वॉल्ड होता है ये। ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हीट जो है जब हम गरम चाय यहाँ पर रखेंगे, कोई भी गरम गरम चीज़ रखते हैं, तो वहाँ से हीट जो है वो सराउंडिंग्स में डिसिपेट होने का टेंडेंसी रहता है हीट का, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए ऐसा इसे बनाया जाता है। इसका फायदा देखिए क्या है, हीट जो है अंदर से बाहर कैसे निकल सकता है, इसका जो तीन मोड्स हैं, एक तो है रेडिएशन, दूसरा है कंडक्शन और फिर कन्वेक्शन, इसे हमें कम से कम करना होता है। तो ये जो अंदर वाला वॉल है, ये अंदर वाला सरफेस जो है इसे सिल्वर्ड किया जाता है, सिल्वर कलर इसमें दिया जाता है, इसे सिल्वर्ड किया जाता है ताकि अंदर का जो हीट है ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर जाए, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करके वो हीट अंदर ही रह जाए। अब देखिए ये जो है थोड़ा बहुत ही सही गर्म तो होगा अंदर वाला वॉल, अब यहां पर जो है यहां पर कन्वेक्शन होगा, अगर एयर रहे तो कन्वेक्शन होगा, तो इसीलिए इसे इवैक्यूएट कर दिया जाता है, अंदर का हवा जो है बाहर निकाल दिया जाता है, इससे इन दो लेयर्स के बीच कंडक्शन और कन्वेक्शन का चांसेस कम हो जाता है। वैक्यूम हो गया, ये नियर वैक्यूम कर दिया जाता है, अंदर से हवा बाहर निकल जाता है, तो कन्वेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता है और कंडक्शन भी नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर है, इसे आप हीट इंसुलेटर भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर भी है। तो आज के इस वीडियो में हमने रेडिएशन पे बात किया, हमने देखा कि रेडिएशन के लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन है और ये बहुत तेजी से 300,000 km/s के स्पीड से प्रोपागेट कर सकता है। अब अगले वीडियो का लिंक जो है वो आपको स्क्रीन पे यहां पर दिख जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।